क्या बोलूं, याद ही नहीं हो रहा है। टू स्टार्ट। हेलो गाइस, वेलकम टू माय न्यू व्लॉग। हेलो खमागणी, तो स्वागत है आप सबका टुडे ब्लॉग के अंदर। तो अभी मैं आई हूँ भवी के घर पे, यानी कि मेरे बड़े वाले जीजा के घर पे, क्योंकि इनके यहाँ पे है गणगौर का उजीणा। तो आज मतलब लास्ट का सेकंड डे है, तो आज सिंजारा वगैरह होगा। तो आज मैं पहले तो हरिप्रिया वाले जीजा हैं उनके यहाँ पे जाके शूट करके आऊँगी, फिर दिन में आके फिर इस चीज़ को कंटिन्यू करूँगी इसी ब्लॉग को। पहले मैं जीजा का ब्लॉग शूट करके आऊँगी। तो नील सॉरी भाभी, कैसा लग रहा है? अच्छा लग रहा है। अच्छा लग रहा है। हाँ। मासी आ गई? आ गई। मजा आ गया? हाँ, मजा आ गया। नील आ गया? हाँ। तो अभी चलते हैं नीचे, और जीजा वगैरह सब लोग नीचे ही हैं, तो वहीं चल के मिलते हैं सबसे। तो अभी मैं यहाँ पे नहा धो के खाना वाना खा के रेडी हूँ, और आज की बस चुकी है 12:30। और यहाँ पे नील चीनू मासी आ चुकी है, रीना मासी तो रात को ही आ गई थी, और नील भी हमारे यहाँ पे रेडी हो चुका है। नील चले, बाय बाय, टाटा। तो हमारी सवारी निकल चुकी है हरिप्रिया टेक्सटाइल की ओर। तो चलिए अब चलते हैं, मिलते हैं आप सबसे वहीं पे। हरिप्रिया टेक्सटाइल वाले हमको इग्नोर करते हुए खमागणी सा। तो चलो चलते हैं, अंदर पहुंच चुके हैं हम लोग। ये लोग क्या अपना डिस्कस कर रहे हैं कि किसको कितना क्या माल भेजना है। चलो तो यहाँ देखो, इतने बड़े बड़े पार्सल पैक होके जा रहे हैं। ये आया है इनका न्यू स्टॉक, जिसका आज हम वीडियो बनाएंगे। निकाल लो पहले से। सो फाइनली हम लोग फिर से आ चुके हैं हरिप्रिया टेक्सटाइल पे। तो आज हम आपके लिए लेके आए हैं समर के लिए बहुत ही प्यारे प्यारे कलेक्शन। तो जीजा के पास में इतने सारे वैरायटीज है ना, तो फर्स्ट जो है जो कि मैंने खुद ने वेयर कर रखा है, वही डिजाइन जीजा ने सबसे ऊपर रखी है कि हाँ ये बहुत ज्यादा वायरल होगा। और ये फैब्रिक भी बहुत अच्छा है, बहुत अच्छा है, सॉफ्ट है। मैंने खुद ने सुबह मॉर्निंग से आई हूँ, तब से पहन रखा है, काफी अच्छा है। बिल्कुल, तो मैंने कहा सबसे पहले यही दिखा दिया ताकि ये कस्टमर के पास में जल्दी से जल्दी पहुंच जाए। और इसकी रेट भी बहुत ही रिजनेबल है। हाँ। तो इसके जो कलर है आपको वो दिखा देते हैं, मतलब मसलिन फैब्रिक रहेगा, और इस पे जो ओढ़ना रहेगा ना, ये बाटी वाला ओढ़ना रहेगा। जैसे कि आपको सूट में भी ऐसे लगेगा कि ना इसमें ऐसे बाटी टाइप कुछ प्रिंट है, तो वैसे ही हमने इसकी ओढ़नी बनाई है। और इसमें कलर भी बहुत ज्यादा नहीं है, एक तो ये गाजरी कलर है जो बाइसन ने पहना है सेम, दूसरा इसका ये मस्टर्ड कलर है, ये इसकी ओढ़नी रहेगी। और नेक्स्ट इसका कलर रहेगा ये, मतलब ऑरेंज, हाँ ऑरेंज शेड है, लाइट ऑरेंज। और लास्ट इसका कलर है ये पिंक। चार ही कलर है इसमें, लेकिन चारों ही बहुत अच्छे कलर है, और गर्मियों के अकॉर्डिंग बहुत ही अच्छा कलेक्शन है ये। तो जिस किसी भी शॉपकीपर को इसकी रिक्वायरमेंट है, प्लीज जल्दी जल्दी कॉन्टेक्ट करो हरिप्रिया टेक्सटाइल से। और नीचे डिस्क्रिप्शन में कॉन्टेक्ट नंबर और एड्रेस फुल आता है, तो आप वहां से इनको कॉन्टेक्ट कर सकते हैं, और एड्रेस भी हम लोग उसमें प्रॉपर लिखते हैं। अब देखते हैं अपन न्यू डिजाइन। जो नेक्स्ट हमारी डिजाइन रहने वाली है, जैसा कि मैंने वेयर किया है सेम वही डिजाइन इसके अंदर। बड़े चालाक है जीजा, फर्स्ट दिखा दी मेरी वाली डिजाइन, सेकंड दिखा दी खुद की कि हाँ हम दोनों ने जो वेयर कर रखा है वो पहले स्टॉक आउट हो जाए, जल्दी जल्दी से आए। उनकी डिमांड ज्यादा रहती है ना, क्योंकि पहनने में का लुक पता चलता है ना, देखिए कितनी सुंदर ओढ़नी है इसकी, बहुत सुंदर लगेगा पहनने के बाद में। और गर्मियों की शादियों के अकॉर्डिंग ये बहुत ही अच्छे हैं, आने जाने में इन पे प्योर की ओढ़नी डाल लेते हैं तो एकदम पार्टी वेयर ड्रेस। बिल्कुल बिल्कुल, बहुत ही सुंदर है। जैकार्ड इसका फैब्रिक रहेगा, और इस पे वेलवेट प्रिंट रहेगा, ये वाले मतलब ये जो वेलवेट प्रिंट है हमारे पास में रेगुलर चलता है, और गर्मियों में तो इसकी डिमांड बहुत ज्यादा बढ़ जाती है। और ये वाली जो डिजाइन है ना, जो इनका ये कलर है, ये मैं हर एक वीडियो के अंदर हर एक डिजाइन अलग रहती है। आज तो इसकी बहुत सारी डिजाइन, बिल्कुल बिल्कुल, बहुत ज्यादा। इसके कलर देख लेते हैं हम लोग, एक कलर रहेगा इसका ये रानी कलर, इनकी ओढ़नियां सभी की बहुत सुंदर आएगी। नेक्स्ट इसका कलर रहेगा वो रहेगा रेड, फिर जो इसका कलर रहने वाला है वो रहेगा पीच, और इसके बाद में जो कलर ब्लू जैसा कि मैंने लगाया है, एंड लास्ट इसका जो कलर रहेगा वो रहेगा ऑरेंज, येलो ऑरेंज। जो भी है, मतलब हम बहुत ज्यादा कंफ्यूज है कलर्स के अंदर। अब हम देखते हैं हमारा, मतलब हमारे जो नेक्स्ट डिजाइन है वो देख लेते हैं।
जो नेक्स्ट हमारी डिजाइन है वो रहेगी मतलब सेम जैकार्ड फैब्रिक पे रहेगी, बट इसमें जो जैकार्ड है ना इसमें आप पास से देखो ये सिल्वर लाइन है ना, बिल्कुल ये लाइन करी हुई है, तो मतलब और थोड़ा पार्टी वेयर लुक आ गया है। और इसके जो कलर्स है ना गर्मियों के अकॉर्डिंग, जो ये क्रीम कलर है इसमें बेबी पिंक कलर के जो फ्लावर्स बने हुए इतने प्यारे लग रहे हैं ना, और इसका जो ओढ़ना है वो इतने प्यारे कच्चे कच्चे कलर्स का ओढ़ना है, मतलब स्ट्रॉबेरी लग रही है, पसंद कर लिया, बोले कि ये दोनों मेरे सिलवा देना, बहुत सुंदर लग रहा है ये, मेरा भी शायद स्टिच होके आ जाएगा, शायद मैंने दिया हुआ इसको भी रेम्बो पैटर्न में, बहुत ही प्यारा है, बहुत ही सुंदर। इसके कलर्स देख लेते हैं हम, ये कलर तो इसका ये है ही, नेक्स्ट इसका कलर रहेगा वो ये पिंक कलर, मतलब गर्मियों के अकॉर्डिंग ही इसमें सारे कलर बने हैं, हाँ सारे लाइट कलर। एक ये रहेगा चीकू कलर, इसके बाद में जो इसका कलर रहने वाला है वो रहेगा येलो कलर, नेक्स्ट इसका कलर रहेगा वो रहेगा ग्रीन, एंड लास्ट इसका कलर रहेगा पीच। सारे कलर, अब तो हमने कलर्स की क्वांटिटी भी बहुत कर दी, पहले जीजा की क्वांटिटी भी होती थी 8 या 10, इससे कम तो होते ही नहीं थे, अब तो फिर भी जीजा 5 या 6 पे पहुंचे। तो नेक्स्ट डिजाइन देखते हैं, जो नेक्स्ट हमारी डिजाइन है वो भी जैकार्ड फैब्रिक पे है, बट ये वाला जो जैकार्ड है ना ये इस वाले जैकार्ड में और पहले वाले जैकार्ड में बहुत डिफरेंस है, बट देखो आप पास से अलग, मतलब वो जैकार्ड अलग था उसमें थ्रेड का काम हो रखा था, इसमें वीविंग जैसा वर्क है, और ये जो प्रिंट है वो तो सेम वेलवेट प्रिंट ही है बट डिजाइन अलग है। जब प्रिंट उतरेगी तो नहीं नहीं वेलवेट प्रिंट का भी नहीं उतरेगी, आप मशीन वॉश करो बहुत अच्छा लगता है, घसीड़ो ब्रश लगा लगा के दो नहीं उतरेगी। ये इसका ओढ़ना है, ओढ़नी बहुत ही सुंदर है, सुंदर है, ओढ़ने में भी इसे आपको फ्लावर्स मिल जाएंगे, मैचिंग के फ्लावर्स मिल जाएंगे। नेक्स्ट कलर देख लेते हैं हम, एक कलर इसका ये रहेगा पीच, फिर ये रहेगा इसका ग्रीन कलर, इसके बाद जो इसका कलर रहेगा वो रहेगा ये मतलब ऑफ वाइट कलर है, लेकिन इसमें जो बेबी पिंक कलर के फ्लावर बने हुए ना बहुत ही सुंदर लग रहे हैं। लास्ट इसका कलर रहेगा वो रहेगा पिंक कलर, ये इसके कलर है, और ये उधर बिल्ली की शैतानियां चल रही है, शैतान हो चुका है वो बंदा। अब हम देखेंगे हमारी नेक्स्ट डिजाइन है, वो रहेगी चिकन फैब्रिक के अंदर, जो कि गर्मी में बहुत डिमांड रहती है, बहुत डिमांड रहती है, और ये वाले हमने बहुत ज्यादा पीसेस निकाले भी हैं, बहुत हैं, और ये हमने वापस से इसको रिपीट करवाया है क्योंकि ये डिजाइन हमने पहले ही बेची है और इसकी डिमांड थी, इसलिए हमने इसको वापस से रिपीट करवाया है। ये देखो इसका ओढ़ने में ना हमने वर्क करवाया, छोटी छोटी सी बूटियां बनाई है, सूट पूरा चिकन का रहेगा, लाइट टू डार्क में ये सूट रहेगा, डबल शेड, और ये ओढ़ना रहेगा इसका मल्टी कलर में। इसके जो कलर है वो हम देख लेते हैं, एक कलर इसका ये रहेगा लेवेंडर कलर, जो नेक्स्ट इसका कलर रहेगा वो रहेगा ये येलो कलर, इसके बाद में जो ये कलर मुझे पता नहीं येलो ऑरेंज लग रहा है, ये नीमू पीला, लेकिन ये जो नीमू पीला है ना ये अच्छा वाला सुंदर लग रहा है। फिर ये रहेगा पीच कलर, एंड ये लास्ट इसका कलर है पिंक कलर, ये इसके कलर्स हैं, बहुत ही सुंदर कलर हैं इसके सारे, और गर्मियों के अकॉर्डिंग तो इस टाइप के सूट ही बहुत अच्छे लगते हैं। अब देख लेते हैं हम न्यू डिजाइन, जो हमारे नेक्स्ट डिजाइन है वो भी सेम चिकन में ही है, बट इसके अंदर ना हमने ऐसे बॉर्डर बनाया है, मतलब बहुत ही सुंदर, बहुत ही यूनिक आर्टिकल लग रहा है, मतलब कि आपके ऑल ओवर ड्रेसेस पे चांदने के बाद तो बहुत ही सुंदर लग रहा है, क्योंकि मैंने पहना भी था, देखो खुद खुद ने पहन लिया अकेले, तो आप इतनी दूर तो आती नहीं हो ना, रोज आप रोज आओ अहमदाबाद से, रोज आओ सब महीने में एक बार आती हूँ अपने लिए माल लेके जाती हूँ, तो ये वाला माल भी आपको हमारे सदाबहार पे मिल जाएगा, मतलब ये सूट तो बिना बोले ही बहुत सुंदर, इसके लिए तो कुछ बोलने की जरूरत नहीं है, आप लोग सब इसके लिए ऑर्डर कर सकते हैं। इसके जो कलर है वो हम देख लेते हैं, मतलब इसकी जो कुर्ती है ना ये भी आपको दिखा देती हूँ एक बार, सेम लहंगे की जैसे इसकी कुर्ती रहेगी, कुर्ती में भी बॉर्डर रहेगा और सेम ऐसा प्रिंट रहेगा, और ओढ़ना जो रहेगा इसका शेड रहेगा, और मंगी सब में अलग अलग होगी, जो बॉर्डर है ना आपको उसकी मंगी में देगी। एक कलर इसका ये रहेगा पिंक, मतलब पिंक बॉर्डर रहेगा और ऊपर ये लेमन कलर का सूट रहेगा जिस पर प्रिंट बना हुआ है। फिर इसका जो ये सेम कलर, सॉरी अलग कलर, अलग क्रीमी स्ट्रॉन वो पीच है और ये क्रीमी है, बॉर्डर सेम है दोनों का। ये रहेगा फिर ग्रीन कलर, एंड लास्ट इसका कलर रहेगा पिंक के साथ में रेड एंड येलो का कॉम्बिनेशन। चलो शुक्र है इसके अंदर 5 कलर ही है, तो आपके पास में ऑप्शन है कि आपको कौन सा कलर पहनना है। नहीं वैसे भी बहुत ऑप्शन रहता है, इसलिए वो कंफ्यूजन हो जाता है 10 कलर में से एक अपने लिए चूज करना की कौन सा कलर हम पहने। चलिए देखिए हमारा दूसरा डिजाइन नेक्स्ट, जो हमारी नेक्स्ट डिजाइन रहने वाली है ये भी चिकन में ही है, फैब्रिक बहुत प्यारा लग रहा है, सॉफ्ट है, मतलब ये चिकन जितना भी मैंने आपको दिखाया ना सब अलग तरीके का चिकन दिखाया, सेम किसी में भी नहीं मिलेगा। हमने पहले 2 डिजाइन देखी चिकन की, उसके अलावा ये जो तीसरी डिजाइन है इसमें जो चिकन है ना ये आप देखो बिल्कुल, मतलब वीविंग ही इसकी ऐसी है कि ये फैब्रिक ही अच्छा है, बहुत सुंदर, और ओढ़ने देखो आप इसकी, ओढ़ने से 4 चांद लग जाते हैं, जीजा के जो ओढ़ने होते हैं ना ओढ़ने दिल जीत लेते हैं कि हाँ यार क्या ओढ़ना है तो पहनना ही है बिल्कुल।
ये से एक कलर तो इसका ही लेवेंडर कलर रहेगा ही, जो नेक्स्ट इसका कलर रहेगा वो रहेगा ये ग्रीन कलर, इसके बाद जो इसका कलर रहेगा वो रहेगा ये गाजरी, फिर जो इसका कलर रहेगा ये रहेगा पीच, एंड लास्ट जो इसका कलर रहेगा वो रहेगा ये येलो। जीजा इस बार इतना कम कम कलर कैसे दे सकते हो आप? आपने मुझे बोला ना जीजा, सीरियसली मतलब मैंने अभी जितनी भी डिजाइन देखी ना सबके अंदर 5 से 6 कलर आएंगे, वैसे भी आएंगे ज्यादा वाले कलर इस बार डिजाइन भी आएंगे, बट आप अगर है ना इनके लिए तो आपको कम से कम 2 सेट तो ऑर्डर करने ही पड़ेंगे, क्योंकि 5 सूट तो हम आपको दे नहीं सकते हैं, तो 2 सेट तो आपको करने ही पड़ेंगे कि आपको 10 सूट तो लेके ही जाए, हमको लगना चाहिए कि वास्तव में आप शॉपकीपर हैं। बिल्कुल, अब देखते हैं हम हमारी नेक्स्ट डिजाइन, जो नेक्स्ट डिजाइन रहने वाली है वो हमारी रहेगी ये डोबी, मतलब डोबी फैब्रिक है, ये कॉटन डोबी फैब्रिक है, पास से एक बार ये तो इसकी मंगी रहेगी, और इसके साथ हमने करा दी है शिगोरी, मतलब जिनके नाम नहीं सुने ना आज तक कभी उनके नाम सुनने पड़ रहे हैं अपने दुकान खोलने के बाद में, इसको डोबी फैब्रिक बोलते हैं, बोलते हैं, और मतलब अभी क्या अभी जो सीजन है ना वो ज्यादातर फैब्रिक बेस्ड का ही सीजन है, कि आपको फैब्रिक में अलग अलग तरीके की डिजाइनें मिल जाएगी ना, वो कस्टमर डिमांड करते हैं गर्मियों में। अभी आप लोगों को लग रहा होगा कि ये जो वर्क हो रखा है ये गोटे का किसी का होगा, ये ऐसा कुछ भी नहीं है, आप देख सकते हैं पास में ये थ्रेड से ही वर्क है, तो ये बिना अस्तर के आप इसको स्टिच करवा सकते हैं, इसमें रिक्वायरमेंट नहीं है, इसमें रिक्वायरमेंट नहीं है क्योंकि ये कॉटन का थ्रेड है, तो ये आपको चुभेगा नहीं। सबसे पहले स्टार्टिंग में मैंने आते ही हमारी शॉप के लिए इसको अलग करवाया था कि ये हमारा अलग कर दो, क्योंकि काफी लोगों की डिमांड आती है कि कुछ यूनिक हो और अच्छा भी लगे जिसमें अस्तर भी ना लगे, तो वो चीज ये बहुत अच्छी है। इसके कलर्स हम देखते हैं हमारे, इसके कलर आप दिखाओ। हाँ इसके कलर्स मैं दिखा देती हूँ, एक कलर रहेगा इसका ये ऑरेंज, ये भी लाइट टू डार्क ऑरेंज, और इसमें मैरून कलर की शिगोरी डिफरेंस है, ये रहेगा पिंक, ये कौन सा कलर है गाजरी, ब्लू शिगोरी, एक रहेगा ये पीच, पीच पे ऑरेंज शिगोरी रहेगी, और इस पे पीच पे रहेगी रानी रानी शिगोरी, और एक रहेगा ये रेड रेड गाजरी का कॉम्बिनेशन, ओके मतलब इतना एक खिलने का वो आ गया, तो ये रहेंगे इसके कलर्स, बहुत प्यारे कलर्स हैं। चलो इसके अंदर जीजा ने इतने सारे ऑप्शन दे दिए आप लोगों को, अब देखते हैं अपन दूसरे डिजाइन, डिजाइन रहने वाली है वो कॉटन सिल्क फैब्रिक रहेगा, मतलब कॉटन फैब्रिक है, फैब्रिक ही बहुत सुंदर है, आपको पास से देखोगे ना तो बहुत अच्छा लगेगा, फैब्रिक तो अच्छा ही है, जो न्यूली ब्राइड है ना जिनकी गर्मियों में शादी होने वाली है प्लीज वो जरूर इसको खरीदें करें, क्योंकि इसके जो कलर्स है बहुत ही ब्राइट कलर्स है और बहुत ही प्यारे कलर्स है, तो आप नई नवेली दुल्हन पहनेंगे बहुत ही सुंदर लगोगे, जो वर्क है ये पर्ल प्रिंट का वर्क है, और ये भी मशीन वॉश से कहीं नहीं जाएगा, आप इसको इजीली मशीन वॉश कर सकते हो, क्योंकि मैं तो मेरे सारे सूट मशीन वॉश ही करती हूँ, कुछ भी खराब नहीं होता, प्रेस करवा लो। कलर देख लेते हैं हम, सेम ये रानी कलर, एक ही है पीच कलर, पीच रेड, मतलब इसमें जो एक बार मैं एक चीज और बताती हूँ, इसमें जो प्रिंट किया है ना नीचे थोड़ा सा बड़ा प्रिंट, बड़ा प्रिंट है, ऐसे फिर छोटा है फिर छोटा है, और सेम वैसे ही इसकी डाई भी रहने वाली है, जैसे नीचे डार्क है फिर थोड़ा लाइट है एंड फिर थोड़ा लाइट है, मतलब 3 शेड का ड्रेस रहेगा ये, और सेम वैसे ही इसका प्रिंट करेगा, ये इसका मस्टर्ड, ये इसका ऑरेंज, ये डार्क मस्टर्ड, ये येलो, ये लाइट ऑरेंज, ये इसके कलर, इसमें कलर चेंज ही जाना है। तो अब हम आपके लिए लेके आ चुके हैं बुटीक वाले सूट, जो कि जीजा ने पहले बताया था कि वो जो समर कलेक्शन था प्लेन वाला वो हमने पहले दिखा दिया, अब समर कलेक्शन में बुटीक वाले ड्रेस है जिसपे आप प्योर के उड़ने वेयर करोगे तो भी बहुत ही प्यारे लगेंगे, और मतलब शादियों में आपको पोशाकों की रिक्वायरमेंट नहीं है, इन पे आप प्योर के उड़ने उड़ो और गर्मियों की शादियां अटेंड करो। तो फर्स्ट डिजाइन हमारी इसमें ये रहेगी, बॉर्डर में इसमें वर्क रहेगा, फैब्रिक क्या चाहिए, ये चंदेरी फैब्रिक, और जो चंदेरी है ना वो एकदम जो हैवी क्वालिटी वाली चंदेरी होती है ना 12 kg वाली, वो चंदेरी है, क्योंकि हल्की चंदेरी में बहुत शिकायतें आती है, तो हम सिर्फ और सिर्फ 12 kg वाली चंदेरी यूज करते हैं, इसमें बॉर्डर रहेगा और सेम जैसे कि लहंगा है ना, लहंगे की जैसे कुर्ती में बॉर्डर रहेगा, डबल शेड का रहेगा, डार्क टू लाइट शेड में, और ये इसकी मंगजी, और जो इसका ओढ़ना रहेगा वो रहेगा सेम सूट की जैसी बूटी आएगी, और 2 डाई के अंदर ये ओढ़ना रहेगा, इसके कलर देख रहे बहुत ही सुंदर, मतलब ये कलर भी कितना प्यारा लग रहा है ना, ये मोर की गर्दन का कलर जो होता है ना उस टाइप का कलर है, एक कलर तो ये है ही, नेक्स्ट इसका कलर रहेगा ये रहेगा पर्पल कलर, इसके बाद में ये है वो ईट कलर, हाँ नहीं और ये तो ऑरेंज कलर, मतलब एक ये थोड़ा डार्क कलर, एक ये है वाइन, ये भी वाइन है, मतलब वो पर्पल, ये वाइन, ये केसरिया कलर, इसके
बाद जो कलर रहेगा वो रहेगा ये मेहंदी कलर। गर्मियों की शादी में मेहंदी के अकॉर्डिंग हमने ये दोनों, ये हल्दी और ये मेहंदी और ये है गाजरी कलर। अब हम देखेंगे हमारी नेक्स्ट डिजाइन। देखिए पहले इसके कलर आप दोबारा से देख लो क्योंकि बहुत ही सुंदर कलर है इसकी। और जो न्यूली ब्राइड है प्लीज वो तो ले ही जाए क्योंकि बहुत ही प्यारा कलर है, बहुत सुंदर लगोगे आप पहने हुए। जो नेक्स्ट डिजाइन है ना ये भी हमारी जैकार्ड फैब्रिक पे है। ये जैकार्ड फैब्रिक में कितने फैब्रिक है पहले बताओ, डिजाइन देखो ना सबके अलग अलग लेके आ रहे हो आप। ये बोल रही हूँ लेकिन जैकार्ड नाम जैकार्ड है बट उसकी डिजाइन आप देखोगे ना हर डिजाइन के अंदर आपको जैकार्ड की डिजाइन अलग मिलेगी क्योंकि पहले वाला जो जैकार्ड दिखा था उसके अंदर अलग ही डिजाइन हो रखी थी। अब आप इसमें देखो अंदर ही बूटियां बनी हुई है, सेल्फ में ही बहुत सुंदर लगता है। प्लेन भी अगर आप वेयर करें ना तो प्लेन भी सुंदर लगता है। इसमें जो ये वर्क है ना ये बादला जरी के साथ में थ्रेड का वर्क है, मतलब गुलाब के फूल बने हुए इसमें छोटे छोटे और बहुत सुंदर लग रहा है। ये देखो ये इसकी मंगी रहेगी प्लेन और सेम ये रहेगी कुर्ती और इसका ओढ़ना देखो आप, ओढ़निया भी इसकी बहुत ही सुंदर है। ये इसकी ओढ़नी रहेगी। इसके कलर देख लेते हैं, एक तो ये मेहंदी कलर है, इलायची कलर, एक ये केसरिया कलर, नेक्स्ट कलर है इसका ये रहेगा रानी, इसके बाद जो कलर रहने वाला वो रहेगा पीच, फिर रहेगा ऑरेंज एंड लास्ट में इसका कलर रहेगा रेड कलर। बहुत प्यारे कलर ही है, सारे के सारे ब्राइट कलर है और बहुत सुंदर कलर है। नेक्स्ट देख लेते हैं हमारे डिजाइन। हमारी डिजाइन है ना ये कॉटन सिल्क फैब्रिक है, मतलब आपको ऐसे फील करने में ऐसा लगेगा कि सिल्क टाइप फैब्रिक है, पर गर्मियों में आप इसमें ना तो स्पेशल रिक्वायरमेंट है ना कुछ है और एकदम पार्टी वेयर। और जो ये कटोरी इसमें जो सीक्वेंस का काम है ना उल्टी कटोरी का जैसा काम है तो आपको चुभेगा भी नहीं है, बिल्कुल नहीं चुभेगा और एकदम मतलब बहुत फिनिशिंग से है इसका वर्क है। ऐसा आप हाथ लगा के देखोगे ना कहीं से कुछ अटकने करने वाला नहीं है। ये इसकी कुर्ती है और इसका जो ओढ़ना है ना ओढ़ने में हमने बूटियां दी है, मतलब यहाँ से बूटी निकाल के ये तीन पत्ती वाली बूटी निकाल के इसमें हमने बनाई है। इसके कलर्स देख लेते हैं, एक तो इसका ये येलो कलर, एक कलर इसका ये रहेगा रानी, फिर जिसका कलर रहने वाला ये रहेगा केसरिया, ये रेड, ये मस्टर्ड कलर, ये ऑरेंज, ये पीच और लास्ट जिसका कलर रहेगा वो रहेगा पिंक कलर, गुलाबी। अब देखते हैं अपन नेक्स्ट डिजाइन। जो नेक्स्ट हमारी डिजाइन है वो रहेगी चंदेरी फैब्रिक के ऊपर, सीक्वेंस का वर्क है इसमें, मतलब उल्टी कटोरी का वर्क है और पूरा हैवी बॉर्डर बना है, मतलब लहंगे में बहुत ज्यादा हैवी है, कुर्ती में छोटा बॉर्डर है और ये इसकी ओढ़नी रहेगी टू डाई के अंदर। और जो साथ में हमने इसकी मंगजी दी है ना, मंगजी भी आरी मंगजी दी है ताकि एकदम आपका मतलब पार्टी वेयर, ये एकदम पार्टी वेयर पोशाक जैसा सूट लगे। आपको कुछ करने की जरूरत नहीं, आपको सिर्फ प्योर का ओढ़ना वेयर करना है और शादी में अच्छा नहीं लगे तो कॉटन का हटाना चाहो तो इसके कलर्स भी देख लेते हैं हम। एक तो ये है लैवेंडर कलर, एक ये इसका इलायची कलर, इसके बाद जो कलर है ये कौन सा कलर है मुझे खुद को भी नहीं पता लेकिन ये कलर है बहुत प्यारा इंग्लिश कलर है ये जो ऑनियन कलर जो होता है ना उस कलर का ये कलर है। फिर जो कलर है ये केसरिया, क्या बोलते हैं स्काई ब्लू का थोड़ा डार्क होता है ना इंक डाल दी स्काई कलर ये है ग्रीन कलर, सारे आपने इंग्लिश कलर दिए हैं इसके अंदर है ना, ये भी इंग्लिश है, इंग्लिश इसको इंग्लिश नाम नहीं बोल सकते डिजाइन हाँ इंग्लिश डिजाइन लेके आए हम आप सबके लिए। इसमें सारे कलर मतलब अच्छे कलर है, बहुत प्यारे कलर है, मतलब गर्ल्स के हिसाब से बहुत प्यारे कलर है। अभी आजकल की लड़कियों किस तरीके के कलर पसंद डिमांड होती है। जो नेक्स्ट हमारी डिजाइन है वो हम देख लेते हैं। नेक्स्ट हमारी डिजाइन रहेगी ना ये भी गर्मियों के अकॉर्डिंग बहुत ही सुंदर डिजाइन है, इतना हैवी वर्क है इसके ऊपर आपको पोशाक की जरूरत नहीं पड़ेगी, आप सूट ही पहनो और प्योर के ओढ़ने डालो बहुत सुंदर लगेगा। गर्मियों की शादी इस बहुत प्लेन रानी कलर का ओढ़ना बहुत प्यारा लगेगा, सेम भी करा सकते हो प्लेन रानी भी कॉन्ट्रास्ट भी ले सकते हो। ये देखो कितना प्यारा कलर है, कॉम्बिनेशन देखो और ओढ़ने में भी काम देखो और काम की फिनिशिंग देखो ना बहुत ही सुंदर, मतलब ऐसे उल्टी कटोरी और एकदम जीरो उल्टी कटोरी जो होती है ना ये देखो इसमें थ्रेड भी यूज किया गया है और उल्टी कटोरी का काम यूज किया गया है। आप इस पे प्योर का ओढ़ना वेयर करते हैं लोग बोलते हैं ड्रेस खराब हो जाता है, सीक्वेंस में इसमें कुछ खराब नहीं होगा, कुछ अटकने वाली चीज नहीं है। इसके जो कलर है अपन वो देख लेते हैं, एक तो इसका ये कलर हमने लगा के रखा हुआ है, जो नेक्स्ट कलर है इसका ये रहेगा पीच कलर, इसके बाद जो इसका कलर रहेगा वो रहेगा केसरिया। लाइट टू डार्क में ये सूट रहेगा, मतलब आपको ऐसे नीचे से ये थोड़ा डार्क लगेगा ऊपर से लाइट लगेगा। ये है इसका येलो कलर, फिर रहेगा इसका ये रेड और गाजरी का कॉम्बिनेशन, फिर रहेगा रानी,
बाद जिसका कलर रहेगा वो रहेगा ग्रीन। इसके अंदर बहुत सारे कलर दिए हैं हमने, क्योंकि इसमें इस डिजाइन के अंदर सारे ही कलर बहुत सुंदर लग रहे थे। मैं वही देख रही थी, मैंने कहा क्या बात है, एक छह कलर खत्म हो गए, अब सात आ गया। ये मस्टर्ड एंड लास्ट जिसका कलर रहेगा वो रहेगा पीच का लाइट कलर। हाँ बहुत सुंदर कलर है, आप कलर देखो और सारे ही बहुत सुंदर कलर है इसके ना। अब देख लेते हैं नेक्स्ट डिजाइन। नेक्स्ट डिजाइन, अब जो डिजाइन है ना वो डिजाइन है जो कि मैंने खुद ने वेयर की थी। तो वहां पे जब मैंने वेयर किया था तो सिंगल कलर वेयर किया था, वहां पे मैं आपको कलर्स नहीं दिखा पाई थी। तो काफी लोगों की डिमांड थी कि जीजा इसके कलर्स दिखाओ। हाँ। तो मैंने जीजा को आते सबसे पहले बोला कि जो मैंने वेयर किया था ना बुटीक वाला सूट वो निकाल दो और उसके कलर्स दिखा दो। तो इसके कलर्स मैं ही दिखाती हूं, ठीक है। फर्स्ट कलर तो ये लगा हुआ है ही, सेकंड कलर है इसमें ग्रीन एंड येलो, थर्ड है ये रानी एंड ऑरेंज, डबल शेड का ये कलर रहेगा ऑरेंज एंड येलो, रेड एंड मस्टर्ड, ऑरेंज एंड पिंक और इलायची कलर एंड रेड। मतलब इसके कलर्स देख लीजिए, आपको जिस किसी को भी ऑर्डर करना है आप लोग ऑर्डर कर सकते हैं। कॉन्टेक्ट नंबर और इनका जो एड्रेस है वो नीचे डिस्क्रिप्शन में मैं एज यूजुअल मेंशन करती हूँ, और जिस किसी को स्क्रीन पे भी चाहिए तो मैं अब से स्क्रीन के ऊपर भी मेंशन कर दूंगी। काफी जो स्टोरीज वगैरह होती है उन पे तो मैं डालती हूँ, मेंशन करती हूँ ऊपर की तरफ। तो जल्दी से आए हरिप्रिया टेक्सटाइल पे, आप लोग भी आके विजिट करिए। यहाँ पे आके विजिट करेंगे तो आपको काफी सारे आर्टिकल्स मिलेंगे यहाँ पे। अभी भी इतना है कि हम सारा नहीं दिखा सकते, क्योंकि वीडियो सिर्फ 20 मिनट या 25 मिनट से ज्यादा हम आपके सामने शेयर भी नहीं कर सकते। तो जो आर्टिकल मैं आपको यहाँ पे दिखा रही हूँ ये सब शॉपकीपर्स के लिए है, या फिर जिस किसी को बल्क में माल चाहिए सिर्फ वही इनसे कॉन्टेक्ट करें, ठीक है जी। थैंक यू। Thank you.